हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ये सब्सक्राइब बटन दबाकर और इस बेल आइकन को प्रेस, ताकि जो भी कॉन्सेप्ट मुझे अच्छा लगे कि ये आपको जानना चाहिए वो आप तक आसानी से पहुंच सके। सो आज के लेक्चर में हमें क्या करना है, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर और मेथड ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझना है, उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने ये दो मेथड्स बनाए थे, सम नाम के, जो कि मेथड ओवरलोडिंग को बता रहे थे। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, दो इंटीजर को पास करेंगे तो दो इंटीजर का सम मिलेगा, और अगर हम दो डबल वैल्यूज़ को पास करते हैं तो हमें दो डबल वैल्यूज़ का सम मिलता है। तो अब हम यहाँ लिखते हैं डबल सी इक्वल्स टू सम 3.5। तो अब आपको ये सोचना है कि इसका आंसर क्या आएगा। आपने आसानी से सोच लिया होगा 3+5 आएगा, डेट इज 8, और कॉल कौन सा मेथड होगा, ये वाला। क्यों होगा, बिकॉज हमने अंदर पास किए हैं दो इंटीजर्स वैल्यू, नॉट अ डबल। और वहीं अगर हम यहाँ कोई डबल वैल्यू पास करते, फॉर एग्जांपल हमने दिया 3.6 और 3.5.2, तो अब कॉल क्या होगा, ये वाला, और आंसर आएगा इन दोनों का सम, डेट इज 8.8। हमने यहाँ लिखा सी। सो अब हमारा आंसर आया 8.8। अब हम समझते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर का कॉन्सेप्ट। तो मैंने यहाँ क्या किया, एक बाई में वैल्यू रखी 4, और एक इधर भी रखी कुछ 9.8, ठीक, और पास किया 3.6 और 5.2। तो क्या आएगा आंसर, इन दोनों का सम ही, बिकॉज 5.2 की वैल्यू इस y में असाइन हो जाएगी, और अगर हम यहाँ कुछ भी असाइन ना करें तो कौन सा कॉल होगा, तो भी यही वाला, बिकॉज हमने इसके अंदर ये एक डबल वैल्यू पास किया। तो अब चेक होगा कि एक डबल वैल्यू किस में है। सबसे पहले चेक होगा कि सम मेथड कहाँ है, सम मेथड एक यहाँ है और एक यहाँ। फिर चेक होगा कि डबल वैल्यू पहली में किधर है, इधर नहीं है और इधर है, यस और नो, ठीक है। तो अब ये वाला रन होगा और आंसर आएगा 3.6 और 9.8 का सम। तो ये कॉन्सेप्ट तो इजी था, अब हम एक नया कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगर हम लिखते हैं कि पब्लिक स्टैटिक डबल सम डबल एक्स, सिर्फ एक पैरामीटर पास किया, यस और नो, और रिटर्न की वैल्यू एक्स को, और अब हमने क्या किया, सिर्फ यहाँ पर भी एक पैरामीटर पास किया, तो बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब आंसर क्या आएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें स्टूडेंट्स फंस जाते हैं कि कौन सा वाला मेथड कब कॉल होता है। तो अगर आपको अभी भी कुछ ना कुछ डाउट बचा हो तो आप कमेंट करके कह सकते हैं, वहाँ मैं आपको आंसर्स दे दूंगा। थैंक यू गाइज़।